हे एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर वन चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ब्रिलियंट मॉडल पेपर से लेकर के आए हैं। तो इसी प्रकार हम लोग ब्रिलियंट मॉडल पेपर का 5 सेट कवर करने वाले हैं। इसी तरह हम लोग हिस्ट्री का भी कर चुके हैं, उसी तरह बारी बारी से सभी सब्जेक्ट का आप लोग का किया जाएगा। तो इसलिए मैं ये 5 सब्जेक्ट को आप लोगों को करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो होता है सभी NCERT क्वेश्चन होते हैं और जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो होते हैं NCERT क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन 5 सेट को पूरी तरह से अगर कर लेते हैं तो आपका यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछे जाएंगे, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। आप पूरी तरह से कंप्लीटली इन 5 सेट को कर लीजिए, आप आराम से जाकर के एग्जाम बैठिए, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव यहां से बाहर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी बच्चे अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जम करके अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कर देंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग निर्देश को देख लेते हैं। इसका निर्देश क्या दिया हुआ है, 1 से लेकर 100 तक के प्रश्न प्रत्येक के साथ साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है उनमें 100 प्रश्न में से किन 50 प्रश्नों का आपको यानी उत्तर देना और एमआरसी पर आपको यानी चिन्हित करना, राइट। यानी आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें से आपको यानी 85 प्रश्न का यानी जो है एमआरसी पर आपको चिन्हित करना है। साथ में आपको यह भी बताना है कि इन इसमें से कितने सारे क्वेश्चन का आंसर आपको ऑलरेडी मालूम था, कॉमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, ध्यान से देखिएगा। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे, बेतन युग के थे, द्वितीय युग के थे, छायावाद युग के थे या प्रतिवादी युग के थे? तो बताएंगे 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल यानी बेतन युग ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइएगा, यानी बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम क्या होगा? 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, यानी बालकृष्ण भट्ट ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का क्या नाम है, यानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेड़ी, अगय या मोहन राकेश या उदय प्रकाश? तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी का मूल निवास स्थल कहाँ है, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी का जो मूल निवास स्थल था यह कहाँ पे है? 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, यानी क्या होगा, गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण ने किसने दिया था, जो संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण जो है किसने दिया था, इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जयप्रकाश नारायण यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार के छात्र आंदोलन का JP ने कब नेतृत्व किया था, यानी बिहार के छात्र आंदोलन का जो JP ने जो नेतृत्व किया गया था वो 1974 में किया था और ये पटना के गांधी में बहुत बड़ा यानी जन सैलाब बनकर उभरा था, ठीक है, जानते होंगे आप लोग जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। किस पाठ में कहा गया कि जिस पुरुष में नारित्व नहीं अपूर्ण है, किस में है ये पूर्ण, मतलब पूर्ण नारीश्वर में है या अर्धनारीश्वर में है या नारीश्वर या आपका ईश्वर में है? तो इसका आंसर जो होगा आपका यानी बी हो जाएंगे, यानी अर्धनारीश्वर में कहा गया, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नारी नाम बताइएगा, तो यानी अर्धनारीश्वर जो शीर्षक जो है निबंध के निबंधकार का जो नाम है, तो इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यानी रामधारी सिंह दिनकर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगे का पूरा नाम क्या है, यानी अगे का जो है इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका पूरा नाम क्या है? आगात है, सचिनानंद हिरानंद वात्स्य अगे है, या आपका हिरानंद वत्स्य या आपका सचिनानंद वात्स्यन? तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यानी ऑप्शन बी सचिनानंद हरिनंद वात्स्य अगे, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। किस पार्ट में आया कि 3 बज गए हैं, 4 बज गए हैं, 11 बज गए हैं, अर्धनारीश्वर में रोज तिरछी हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसमें जो कहा गया यानी रोज में कहा गया, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे किस पाठ की उक्ति है कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, ओ शदानीरा, एक लेख और एक पत्र, प्रगीत और समाज या अर्धनारीश्वर? तो 11 नंबर सवाल का जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए आप लोगों का आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, एक लेख और एक पत्र यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। एक लेख और एक पत्र है शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, एक लेख और एक पत्र है शीर्षक पाठ के जो लेखक है यानी कौन है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी भगत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओ शदानीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताइए, यानी ओ शदानीरा निबंध के निबंधकार का जो नाम है क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, आंसर आपका जगदीश चंद्र माथुर यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है 14 नंबर क्वेश्चन को, यानी चोर कैसे ताल है, यानी उथेल है, चौड़े है, गहरे है या लबालब है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, इसका आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी उथेले ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है, चुन्नी है, बिस्नी है, किसनी या आपका मुन्नी?
तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी बिस्नी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोहन डाकेश के बचपन का क्या नाम था, यानी मोहन डाकेश के बचपन का नाम था क्या था। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर आपका मदन मोहन गुगलानी यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यानी क्या हो जाएगा, वाद विवाद संवाद से, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। झूठन क्या है, रेखा चित्र है, शब्द चित्र है, कहानी है या आत्मा कथा है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा डी यानी आत्मकथा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। मलयज ने किस विषय में एम ए किया था, यानी मलयज ने जो है किस विषय में एम ए किया था। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका अंग्रेजी यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी मलयज ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। तिरछी कहानी किस प्रकार की कहानी है, तिरछी कहानी किस प्रकार की कहानी है, इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका उत्तर आधुनिक त्रासदी यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। किस पार्ट में आया है कि जहां भय है वहां मेघा नहीं हो सकती, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यानी शिक्षा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा था, जय कृष्णमूर्ति, उदय प्रकाश, रामधनी सिद्धिनकर या आगे। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, जय कृष्णमूर्ति ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। जायसी किस शाखा के कवि है, जो जायसी जो है किस शाखा के कवि है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका प्रेम मार्गी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। मलिक मोहम्मद जायसी का निवास, जो मलिक मोहम्मद जायसी का जो निवास स्थान है ये कहाँ था, यानी मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था, इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा बिल्कुल डी यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, जायस कबड़ है, अमेठी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे है, किसने सूरदास से कहा कि सूर है कि ऐसे मतलब घिघियात काहे हो, कछु मतलब भगवत लीला वर्णन करो। तो इन चार ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन जो होगा 26 का ऑप्शन ए गुरु वल्लभाचार्य ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। सूरदास किस भाषा के कवि है, सूरदास किस भाषा के कवि है, इनका राइट आंसर जो होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, ब्रज भाषा यानी ऑप्शन ए बी राइट आंसर हो जाएंगे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताइए, तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताइए, फटाफट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, नर मतलब नर हरिदास ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा, कवितावली के रचनाकार है, जो कवितावली के रचनाकार जो है कौन है, इनका आंसर जो होगा तुलसीदास ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नवदास किस युग के भक्त कवि थे, तो नवदास जो है किस युग के भक्त कवि थे। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो भक्ति काल के कवि थे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी, यानी भूषण को भूषण की जो उपाधि दी थी किसने दी थी, इन चार ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन राजा रुद्र शाह ने दिया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, यानी जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा यानी वाराणसी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। पुत्र वियोग शीर्षक कविता यानी सुवर्धा कुमारी चौहान की किस पुस्तक से ली गई है, सकुल से, पुकुल से, मुकुल से या आपका कुकुल से। तो 33 का आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, मुकुल विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, यानी प्रकृति वर्णन से जो संबंधित कविता है तो कौन सा होगा। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी उषा विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, यानी जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। 35 का आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए गजानन महादेव मुक्तबोध, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए, इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। तो इसका आंसर आपका यानी रघुवीर शाह ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आ गया है, कवि रघुवीर शाह का जन्म कहाँ हुआ था, कवि रघुवीर शाह का जन्म कहाँ हुआ था, इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका लखनऊ, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में जो है लोहा किसका प्रतीक है। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे, कर्म का। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संग्रह से ली गई है, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा या अतिरिक्त नहीं, इनमें से कोई नहीं। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी यानी क्या हो जाएगा, सुबह मतलब सब कुछ होना बच रहेगा मतलब बचा रहेगा। खेत रहना शब्द का अर्थ क्या होगा,
खेत में रात्रि विश्राम, मारा जाना, खेत में निवास करना, खेत की होंगाई जुताई करना, तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका होगा यानी मारा जाना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। हार जीत कविता के कवि का नाम बताइए, हार जीत कविता के कवि का नाम क्या होगा, इनका आंसर आपका अशोक वाजपेयी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए, गाँव का घर शीर्षक कविता के जो नाम होगा तो क्या होगा, 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर आना चाहिए, तो इसका आंसर आपका होगा ज्ञानेंद्रपति, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। पहला सम्मान ज्ञानेंद्रपति कब दिया गया, 2005, 2006, 2007, 2008, तो इसका आंसर आपका यानी जो होगा 43 का आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन बताएंगे, इसका आंसर आपका 2006 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। पेशगी में शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताइए, पेशगी शीर्षक कहानी में जो रचयिता का नाम होगा तो क्या होगा, इसका आंसर आपका यानी हेनरी लोपेज, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे, हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे, इसका आंसर आपका कांगो यानी अफ्रीका के रहने वाले थे, ठीक है। हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे, अफ्रीका के रहने वाले थे, यानी कांगो अफ्रीका के रहने वाले थे। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, 46 का आंसर बताइए, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ जो होगा यानी लालच देना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा 47, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का जो अर्थ होगा क्या होगा, जल्दी बताएंगे आंसर कमेंट सेक्शन में, तो इसका आंसर आपका स्वलंबी होना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट यानी ऑप्शन ए डिंग हाँकना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। जी चुराना का अर्थ क्या होगा, तो जी चुराने का अर्थ क्या होगा, 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, फटाफट कमेंट सेक्शन बताएंगे, किसी काम से यानी भागना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ईट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी ईट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का जो अर्थ होगा क्या होगा, 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कायर का विलोम क्या होगा यानी कायर का उल्टा क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका बहादुर यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। धरती का विलोम क्या होगा, धरती का आपको उल्टा बताना है, इन चार ऑप्शन में क्या होगा आंसर, 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आ रहा है आप लोगों का, यानी इसका आंसर आपका आकाश, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। आय शब्द का विलोम क्या होगा यानी आय का उल्टा क्या होगा, तो आप लोग जानते होंगे आय का वे होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। आरंभ का विलोम क्या होता है यानी आरंभ का उल्टा आपको बताना है, 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका अंत यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ऋण का विलोम क्या होता है यानी ऋण का उल्टा क्या होता है, 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, तो इसका आंसर आपका यानी उद्ऋण, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अनादर का विलोम है यानी अनादर का विलोम है, 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका अनादर का आदर होगा यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो कमल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो कमल का पर्यायवाची शब्द कमल, पंकोज, सरोज, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा, मतलब आरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यानी विपिन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। बादल का पर्यायवाची क्या होगा, तो बादल का जो पर्यायवाची होता है मेघ होता है, जलद होता है, जलधर होता है, यानी इसका आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन का, कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो कमल का इनमें से जो पर्यायवाची नहीं है कौन नहीं है, तो आपको हम बताए थे पंकज, सरोज, राजीव, उसके बाद आपको क्या बताए थे, 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको निरिधि बताए थे, नहीं पुंडरिक बताए थे, उसका आंसर जो होगा आपका यानी इसमें जो है निरधि नहीं है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। कौवा का पर्यायवाची क्या होगा यानी कौवा का पर्यायवाची आपको बताना है, 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर आपका यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। उपयुक्त तीनों, ठीक है, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है, 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे इसका आंसर जो होगा बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, यानी वाचाल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आ गया, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। शिव का उपासक कहलाता है, जो शिव का उपासक जो है क्या कहलाता है, 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो इसका आंसर आपका बी यानी शैव, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। मृग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं,
मृग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं, इन चार ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन बताएंगे। इसका आंसर आपका मृग न्यायी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाएंगे, जो तीव्र बुद्धि वाला होता है उसे क्या कहलाते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका कुशार्ग यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पर आ गया, ध्यान से देखिएगा। जिसकी गिरवा सुंदर हो के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसकी गिरवा सुंदर हो के लिए एक शब्द क्या होगा। 66 का आंसर आपका सी यानी सुग्रीव ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। पंचवटी कौन सा समास है, इन चार ऑप्शन में आपको फटाफट आंसर बताना है। पंचवटी जो होगा कौन सा समास होगा, तो इसका आंसर आपका यानी ऑप्शन सी द्विगु समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घनश्याम में कौन सा समास होगा, तो इनका चार ऑप्शन में आपको फटाफट आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, 68 का आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे यानी कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यथार्थ शब्द में कौन सा समास होगा, यथार्थ शब्द में कौन सा समास होगा, फटाफट कॉमेंट सेक्शन बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका अभिभाव्य समास ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। जितेंद्रिय में समास कौन सा होगा, जितेंद्रिय में जो समास होगा इन चार ऑप्शन में कौन सा होगा, तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बहुविधी समास यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जम करके अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना हम स्ट्रगल करते हैं तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे के जन्म लेने वाला क्या कहलाते हैं। 71 यानी अंडे से जन्म लेने वाला जो कहलाता है क्या कहलाता है, तो उसे अंडज कहलाते हैं यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। पीताम्बर यानी बहुविधि समास से जब होगा तो विग्रह विच्छेद होगा, तो इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पित यानी पीला है अंबर जिसमें, वह यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। आत्मा का विशेषण क्या होगा, यानी आत्मा का विशेषण जैसे आप लोगों को पता है विशेषण सर्वनाम या संज्ञा के बदले में जो प्रयुक्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा 73 का आंसर जो होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यानी क्या हो जाएगा, आत्मीय यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। विशेषण किसे कहते हैं, तो विशेषण तो आपको बता ही दिए थे, तो इन चार ऑप्शन में जो आपका दिया हुआ है संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं राइट, तो यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। सार्व नमिक यानी विशेषण कौन है, यानी सार्व नामिक विशेषण कौन है। 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यानी डी राइट आंसर, ऐसा आदमी को नहीं देखा, यानी सार्वनामिक विशेषण जो होगा यानी ऐसा आदमी नहीं देखा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। देश हिंदुस्तानी देश हिंदुस्तानी एक प्रसिद्ध पत्रिका थे, तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा यानी साप्ताहिक ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। लोक का विशेषण होगा, यानी लोक का जो विशेषण होगा क्या होगा, फटाफट आप लोग आंसर बताइए। 77 का आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में आएंगे, इसका आंसर आपका लौकिक यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। आत्मा कौन लिंग है, यानी आत्मा जो है कौन सा लिंग होगा, 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन जो होगा स्त्रीलिंग यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जू कौन लिंग है, यानी जू जो होगा कौन लिंग होगा, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा फटाफट कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर जो होगा आप लोगों का स्त्रीलिंग यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जल का लिंग निर्णय करें, इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका पुल्लिंग यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। दल का लिंग निर्णय करें, यानी दल का जो है आपको लिंग निर्णय करना है। 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यानी पुल्लिंग ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पर आ गया, धन शब्द का लिंग निर्णय करें, तो धन शब्द का जो लिंग निर्णय होगा तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, यानी पुल्लिंग ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजेंद्र का संधि विच्छेद करना है आपको, राजेंद्र का संधि विच्छेद करना है, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन बताएंगे। तो इसका आंसर आप लोगों का राज जोर इंद्र होगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आया है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या कहलाएंगे, ठीक है। नयन का संधि विच्छेद बताना है आपको, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, ने जोर अन, ठीक है। वार्तालाप का संधि विच्छेद बताएंगे, यानी वार्तालाप का आपको संधि विच्छेद बताना है। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यानी वार्ता जोर आलाप, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। मनवंतर का संधि विच्छेद बताएंगे, मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका मन जोर अंतर, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा, इन चार ऑप्शन में आपको फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हिम जोड़ आले यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। परमोषद शब्द का संधि विच्छेद बताएंगे, तो परमोषद शब्द का संधि विच्छेद आपका परम जोड़ औषध यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। उपवन में कौन सा उपसर्ग होगा, तो उपवन में जो आपका उपसर्ग होगा तो उप होगा, यानी उप जो होगा आपका इसका उपसर्ग होगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भरपेट में कौन सा उपसर्ग होगा, भरपेट में कौन सा उपसर्ग होगा, तो आपको बताना है
90 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का जो होगा भर जोर पेट, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर जाएंगे, भर पेट का आपका जो होगा यानी उपसर्ग भर होगा। ठीक है, प्रतिनिधि में उपसर्ग बताइए, प्रतिनिधि में जो आपको उपसर्ग बताना है तो आपको हम बता दें शब्द के शुरू में जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका प्रति जोर निधि होगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दुशासन में उपसर्ग बताइएगा। 92 क्वेश्चन नंबर का आंसर आप लोगों का क्या होगा, तो इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका आंसर आप लोगों का बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दुर्लभ में उपसर्ग बताना है आपको, दुर्लभ में जो होगा उपसर्ग क्या होगा। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन बताएंगे इसका आंसर आप लोगों का दुर्जोर बल होगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर जो होगा यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी आनंदित में कौन सा प्रति होगा, आनंदित में कौन सा प्रति होगा। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इन चार ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका लास्ट में जो होता है प्रति शब्द के लास्ट में होता है, तो ईत होगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, चचेरा में कौन सा प्रति है, चचेरा में कौन सा प्रति है। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आप लोगों चचेरा, तो यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पर आ गया, लड़का में प्रति बताना है, तो लास्ट में होगा आपका लर का, यानी ऑप्शन क्या होगा 96 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, यानी आ का, यानी लर जोर आ का, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। मिठास शब्द में प्रत्यय क्या होगा, यानी मिठास शब्द का आपको प्रत्यय बताना है, इन चार ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो मीट जोर आस यानी मिठास, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए, आम शब्द है, यानी इन चार ऑप्शन में क्या होगा, आम शब्द का राइट आंसर बताएंगे। 98 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा बिल्कुल पुरलिंग होगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चक्रपाणी कौन सा समास है, चक्रपाणी कौन सा समास है। इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो इसका आंसर आप लोगों का बहुविधी समास, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होगा, 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका आंसर आप लोगों का यानी बी राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृत। तो डियर स्टूडेंट, आज का क्लास आप लोगों का आई होप आपको बहुत ही मज़ा आया होगा, क्योंकि इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन जो कम्प्लीटली कवर किए हैं, तो ये ब्रिलियंट मॉडल पेपर का फर्स्ट सेट से लेकर के आए, तो इसी प्रकार हम लोग 5 सेट कवर करने वाले हैं। अगर आप इन 5 सेट को पूरी तरह से कम्प्लीटली कर लेते हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम में जो है आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए इतना मेहनत करके आपके लिए 5 यानी सेट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इसको जम करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कराएंगे। और इसमें हम लोगों को चाहिए यानी आपको 500 लाइक देना है, तब यानी आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो इसलिए आप लोग जम करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए डियर स्टूडेंट, यहीं तक आज के क्लास को हम एंड करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।